हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दी एम वर्ल्ड में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बैच एनालाइज़र क्या होता है बैच एनालाइज़र के पार्ट्स क्या होते हैं उसके फीचर्स क्या होते हैं उसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आइए अब हम जानते हैं बैच एनालाइज़र के डेफिनेशन के बारे में ये जो बैच एनालाइज़र है ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेज़र करने के लिए ब्लड बायोकेमिकल पैरामीटर्स को जो होते हैं ब्लड ग्लूकोज यूरिया क्रेटनिन यूरिक एसिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। सेकेंड पॉइंट है दीज ब्लड बायोकेमिकल पैरामीटर्स आर एसोसिएटेड विद लाइक डायबिटीज़ किडनी डिसीज एंड लीवर माल फंक्शनिंग एंड द कोटाइजेशन ऑफ दिज पैरामीटर्स हेल्प्स इन डायग्नोसिंग द डिसीज़ मतलब ये जो ब्लड बायोकेमिकल पैरामीटर्स आते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं डिस के साथ जैसे कि डायबिटीज़ में किडनी डिसीज और लीवर माल फंक्शनिंग और ये पैरामीटर्स को क्वानाइजेशन मदद करता है डायग्नोस करने में डिसीज़ को थर्ड पॉइंट है द बैच एनालाइजर कैन बी फर्दर डिफरेंशियटेड एज सेमी ऑटोमेटेड एंड फुली ऑटोमेटेड मतलब जो बैच एनालाइजर है वो डिफरेंशियट होता है सेमी ऑटोमेटेड में और फुली ऑटोमेटेड में ये दो टाइप के होते हैं फोर्थ पॉइंट है दिस एनालाइजर परफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ टेस्ट एट अ टाइम मतलब ये जो बैच एनालाइजर होते हैं ये परफॉर्म करते हैं सिर्फ एक तरह का टेस्ट एक टाइम पर फिफ्थ पॉइंट है इट एकोमोडेटेड ओनली वन टाइप ऑफ रिएजेंट एट अ टाइम मतलब बैच एनाइजर में एक समय पर एक ही रिएजेंट अकोमोडेट होता है आइए अब हम जानते हैं फीचर्स क्या होते हैं बैच एनालाइजर के इट हैज़ फोर मोड्स ऑफ टेस्ट ए फिक्स टाइम बी एंड पॉइंट सी बायोक्रोमेटिक डी काइनेटिक यानी कि बैच एनालाइजर के बाद चार मोड होते हैं टेस्ट के पहला होता है फिक्स टाइम दूसरा होता है एंड पॉइंट तीसरा होता है बायोक्रोमेटिक और चौथा होता है काइनेटिक सेकेंड पॉइंट है टेस्टिंग विल ऑल्सो बी डन बाई लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड सैंपल्स यानी कि बैच एनालाइजर में जब हम टेस्टिंग करते हैं तो बहुत कम अमाउंट का ब्लड सैंपल लगता है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए थर्ड पॉइंट है लेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट इज़ रिक्वायर्ड यानी कि बैच एनालाइजर में बहुत ही कम अमाउंट में रिएजेंट की ज़रूरत होती है टेस्ट को परफॉर्म करवाने के लिए बैच एनालाइजर हैज ऑटो सिस्टम प्रिपरेशन फंक्शन यानी कि बैच एनालाइजर के पास ऑटो सिस्टम प्रिपरेशन करने का फंक्शन होता है इट हैज़ बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन मोड यानी कि बैच एनालाइजर के पास दोनों मोड होते हैं मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी ये दोनों तरह से कैलिब्रेशन कर सकता है मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट व डिस्प्लेड ऑन द पी सी एंड प्रिंटेड आउट बाई यूजिंग प्रिंटर यानी कि बैच एनालाइजर में जो रिजल्ट है वो डिस्प्लेड होता है पी सी पर और प्रिंटर के हेल्प से प्रिंटेड आउट हो जाता है आइए अब हम जानते हैं पार्ट्स क्या होते हैं बैच एनालाइजर के बैच एनालाइजर के पार्ट्स होते हैं लाइट सोर्स जिसमें हेलोजन लैंप रहता है दूसरा ऑप्टिक्स तीसरा डिटेक्टर चौथा क्यूवेट, पांचवा टेम्परेचर कंट्रोल छठा डाइल्यूटर, सातवा सैंपल एक्सपाइरेशन आठवा कैपेसिटी ये होते हैं पार्ट्स बैच एनालाइजर के आइए अब हम जानते हैं बैच एनालाइज़र की एप्लीकेशनस क्या होती हैं बैच एनालाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं हॉस्पिटल्स के क्लिनिकल लेबॉरटरीज में डिस्पेंसरीज़ में डायग्नोस्टिक सेंटर्स में मेजर करने के लिए ब्लड बायोकेमिस्ट पैरामीटर्स को आइए अब हम जानते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं बैच एनालाइजर्स के बैच एनालाइज़र में लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स यानी बैचेस जो रहते हैं वो टेस्टेड होते हैं एक्यूरेटली और प्रिसाइजली सेकेंड पॉइंट है बैच एनालाइजर के पास हाई थ्रूपुट होता है और ये रिड्यूस कर देता है कंटेमिनेशन को आइए अब हम जानते हैं बैच एनालाइजर्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में तो इसका पहला पॉइंट है इट डिड नॉट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट टेस्ट यानी बैच एनालाइजर पेशेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है सेकेंड पॉइंट है इन दिस द फैसिलिटी ऑफ रैंडम मैसेज एनालाइजर इज़ नॉट अवेलेबल यानी बैच एनालाइजर में रैंडम मैसेज एनालाइजर की तरह कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है थर्ड पॉइंट है बैच एनालाइजर इज़ एक्सपेंसिव यानी कि जो बैच एनालाइजर रहते हैं वह बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं और हाईली कॉस्टली रहते हैं चौथा पॉइंट है इमरजेंसी और इमीडिएट टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग इज़ नॉट अवेलेबल यानी कि बैच लेजर में हम इमरजेंसी और इमीडिएट टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं और ना ही रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्योंकि ये मौजूद है ही नहीं इमरजेंसी के तौर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो आज की वीडियो बस खाली इतना ही आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें